बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलेट नेक्स्ट मंडे यानी जो करंट बेस्ड ऑन डेट है उस हिसाब से जो अपकमिंग मंडे की डेट है वो हमें कैलकुलेट करनी है क्या होगी। तो कोई भी आप टुडे से लगा सकते हैं या करंट कोई भी डेट इंटर करके आप उसमें ये चेक कर सकते हैं कि वर्किंग डे स्टार्टिंग मंडे कौन सी डेट को पड़ रहा है। तो ये किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे, और इसके अंदर वीक और चूज फंक्शन का यूज़ करेंगे, वीक डे फंक्शन और चूज़ फंक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सेल को ओपन करेंगे। अब वीक डे जो फंक्शन यूज होता है वो ऑप्शंस दे रहा होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक डेट इंटर करंट डेट इंटर करी हुई है, और इसके अलावा वीक डे फंक्शन अगर हम लगाएंगे कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर वन संडे थ्रू सैटरडे 7, ठीक है जी। लेकिन इसको रिटर्न जो हम करेंगे वो 1, और फिर उसके बाद इस तरह से ये आएगा संडे 1 और मंडे 7 ट्यूसडे, क्योंकि चूज फंक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो इसको जो होगा वो रिवर्स में अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल इस डेट में प्लस करें चूज फंक्शन और उसके साथ लगाएंगे वीक डे डेट ब्रैकेट क्लोज। अब इंडेक्स नंबर की जगह ये हमने वीक डे फंक्शन में सेल जो डेट सेल है इसको क्लिक किया है, और इसके बाद कॉमा चुकेगा वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 पे जो 1 है वो कॉमा, उसके बाद मंडे जो वर्किंग डे है वो हमें चेक करना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसको 7, और इसी तरह इसको बैकवर्ड में लेके जाएंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर नंबर जो फार्मूले का वीक डे वो लिखा हुआ है, और फिर उसका जो ऐड कर रहे हैं हम उस हिसाब से अप्लाई करना है 7 मंडे और फिर 6 कॉमा ट्यूसडे के लिए, और फिर कॉमा 5 वेडनेसडे, फिर कॉमा 4 कॉमा 3 कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है जी। अब देखें यहाँ मैंने टुडे लिखी हुई है डेट, करंट सिस्टम डेट जो आज की डेट है वो, और इसी के साथ अगर मैं कुछ और कोई डेट एंटर करता हूँ तो उसका अपकमिंग मंडे जो होगा वो हमें पता चलेगा, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 11 सितंबर। तो 11 सितंबर की जो भी डेट होगी उसमें आपका अपकमिंग मंडे 13 सितंबर को पड़ेगा, यानी वर्किंग डे या वीक जो कह लें स्टार्ट होगा वो आपका 13 सितंबर से होगा। तो किसी भी ईयर की किसी भी मंथ की कोई भी डेट एंटर करके आप ये चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंडे कौन सा आ रहा है आपका। तो फिर इस तरह से हम ये भी टेक्स्ट से देख सकते हैं कि मंडे ही है, तो डेट जो हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट फंक्शन फार्मूले से, और इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे MMM डी, ठीक है जी। और करंट ये डेट क्या है टेस्ट फंक्शन डे देखने के लिए यूज कर सकते हैं हम, उसमें फॉर्मेट जो डेज में चाहिए तो DDD प्रेस करते हैं सैटरडे, ठीक है जी, सैटरडे सितंबर, और इसी तरह ईयर भी देखना है तो वाई करते हैं, ये देखें मंथ अल्फाबेट्स के अंदर लिखे हुए, अगर डे भी सैटरडे सितंबर 2021 11 सितंबर को है, और इसी तरह मंडे सितंबर 2021 13। तो बस यही है इसके अंदर, ये मैंने आपको समझाने के लिए अप्लाई करा था टेक्स्ट फंक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।